प्रदेश कांग्रेस ने अभी तक प्रतापगढ़ विधानसभा के लिए अपने कैंडिडेट का कोई नाम चयन नहीं किया है, लेकिन प्रतापगढ़ में करीब करीब 10 से 12 लोग अपना दावेदारी दिखा रही है। इसमें एक गुट का कहना है कि अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो हम लोग कांग्रेस को प्रतापगढ़ में जीत कर दिखाएंगे। बाहरी विधानसभा व पैराशूट उम्मीदवार को नहीं मिले टिकट, कांग्रेस के 8 संभावित दावेदारों ने गुट ने प्रेस वार्ता में जताया विरोध। प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस के एक गुट ने गुरुवार को दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में कहा कि प्रतापगढ़ कांग्रेस में बाहरी विधानसभा से व अन्य दलों में रहने के बाद कांग्रेस में आए उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाए। आरोप लगाते हुए कहा कि जिला कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी ऐसे व्यक्ति को आगे ला रहे हैं जो बाहरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, कई पार्टियों में रहने के बाद कुछ समय पहले ही कांग्रेस में आया है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी वेलूराम मीना, राजीव गांधी ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीलाल मीना, आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामलाल मीना, सरपंच संजय बहादुर मीना, नाथूलाल मीना, योगेश्वर चौहान, ईश्वर धोबी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अमृता मीना, सरपंच कैलाश देवी मीना सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान के हर दौरे पर यही बात करे कि दूसरी पार्टी छोड़ के आए पैराशूट को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी पैराशूट को अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से ये शर्म की बात रहेगी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहा है और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी अगर उसका साथ दे रही है तो ये गलत है। मेरा ये कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी सभी को एक साथ लेके चले, जो भी दावेदार बन रहा है इनमें से किसी को एक को टिकट दे दे, हम साथ मिलके निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जिताएंगे। विधानसभा क्षेत्र में 25 साल से हम कांग्रेस का MLA नहीं ला पा रहे हैं और इस बार अच्छी लहर है पूरे राजस्थान में और प्रतापगढ़ की जनता भी परिवर्तन चाहती है इसमें। तो हम चाहते हैं कि हमारे जमीन लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, जो कई वर्षों से हमारी पार्टी की सेवा कर रहा है, ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए। तो वो क्या है कि पहले भी अपनी पहचान बना के रखी है उसने और पार्टी के सिंबल से चुनाव भी लड़ा हुआ है, पार्टी को विश्वास भी है। और कोई आदमी बाहर से आकर के पैराशूट होकर के ने टिकट मांग रहा है, यदि पार्टी उसको यदि देती है तो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो बैठे हैं गाँव में, आज चुप्पी लेके बैठे हैं, वो घर से नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे कि यदि वो कुछ कहते हैं तो उन्हें बोलने से बंद कर दिया जाता है और उनकी कोई सुनता नहीं है। और नए नए जो आते हैं उन्हें आगे कर दिया जाता है और पिछले जो बैठे हैं लोग घरों में उन्हें नहीं ला रहे, आगे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि वो जब आएंगे तो यही बताएंगे कि जमीन से जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उसी को आप दिखी। आपने महिला प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की है? बिल्कुल साहब, हमने महिला प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की है और आज दिन तक यहाँ महिला लड़ी थी लेकिन महिला टिकट नहीं करी। यदि महिला कर देते हैं तो सारे ही जितने ही हैं वो सब एकजुट हो सकते हैं और क्योंकि आगे और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे। मतलब आपका कहना है अगर महिला को टिकट हाँ, यदि महिलाओं को करते हैं गुटबाजी वाली लड़ाई वाली लड़ाई पूरी खत्म हो जाएगी, महिला का ही रहेगा। सर, मैं पिछले 32 सालों से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं 5वीं बार टिकट मांग रहा हूँ और मेरा जनता में पूर्ण सपोर्ट है, मतदाताओं में मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों के वजह से मेरा टिकट काट दिया जाता है। अभी पैराशूट की बात आई, अभी प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ग्यासपुर के व्यक्ति जो उप जिला प्रमुख रहा वो कांग्रेस ज्वाइन करके कह रहा है कि मैं टिकट प्रतापगढ़ की कांग्रेस की टिकट लूँ। मुझे
ये बड़ा अफसोस का विषय है कि आज हम बरसों से पार्टी का काम कर रहे हैं, हम लोग पार्टी में रह करके आज दिन तक मेरी पोलिंग पे कांग्रेस नहीं हारी। जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे सारस दिया वहाँ पर कांग्रेस कभी नहीं हारी, रिकॉर्ड में आज भी है। चाहे मोदी फैक्टर हो चाहे कोई भी फैक्टर आया, लेकिन मेरे एरिया में कभी कांग्रेस नहीं हारी। और मैं पिछले 10 साल से सरपंच रहा, 10 साल से मेरी वाइफ सरपंच है, मैं अभी लैम्प्स का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ राजीव ब्रिगेड का। और मेरा एक ही मांग है पार्टी आलाकमान से कि पुराने आदमी को वरिष्ठ व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया जाए, और संगठन के जो लोग प्रतापगढ़ के और जो आज नए आदमी को लेकर के घूम रहे हैं, इससे मैं आलाकमान से मांग करता हूँ कि संगठन की, प्रतापगढ़ के जिला संगठन की और ब्लॉकों की बात नहीं मानी जाए और इनके पुराने आदमी को टिकट दिया जाए। तो ये माना जाए कि जो प्रतापगढ़ में जो आलाकमान कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में ये गुटबाजी नहीं है, तो क्या ये माना जा सकता है कि गुटबाजी यहाँ पे आज भी है? प्रतापगढ़ में गुटबाजी की जहाँ सवाल आता है, प्रतापगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी के मुखिया ने गुटबाजी शरण सीमा ऊपर पहुँचा दी है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में और पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस होकर के बैठ गया है। आप लोगों ने आज ये जो विरोध किया है सामूहिक रूप से, क्या इसके विरोध के पहले आपने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया है कि अगर इस तरह इसके पहले प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं सचिन पायलट साहब, इनको हमने 2 साल से बार बार इनके व्यक्तिगत रूप से लिखित में हमने अवगत कराया कि साहब संगठन सही रूप से काम नहीं कर रहा है और इस संगठन में सुधार किया जाए, लेकिन आज दिन तक सुधार नहीं हुआ। और हमारे राहुल जी गांधी ने, मैं बहुत राहुल गांधी का एक आदिवासी कार्यकर्ता होने से बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने राजस्थान के दौरे पे आए और उन्होंने कहा पेरा टू सूट को टिकट नहीं दिया जाए। बड़ी आदिवासियों में बड़ी लहर है और आदिवासी राहुल गांधी के प्रति प्रतापगढ़ की सीट जिताने के लिए आगे आ रहे हैं। अपने कि नए उम्मीदवार को नहीं, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको पैराशूट उम्मीदवार को टिकट नहीं। पैराशूट उम्मीदवार वह होता है जो दूसरी पार्टी से आता है और दूसरी पार्टी से आकर के पार्टी ज्वाइन करता है और 5 साल की अवधि नहीं होती है और किसी बाहरी क्षेत्र का, यानी इस लोकल विधानसभा क्षेत्र का नहीं होकर के बाहरी विधानसभा क्षेत्र का होता है, उसको पैराशूट कहा जाता है। तो जिला कांग्रेस द्वारा, जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि पैराशूट को टिकट दे दिया जाए, तो ये कांग्रेस दे दिया जाए ऐसी मुहिम, तो इसके विरोध में हमने आज ये कॉन्फ्रेंस की है। तो आज जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कारण, क्या मकसद है? प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लोग विगत 5 चुनाव लगातार हार रहे हैं और इस बार 100% कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता को अगर टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो 100% हम सीट निकाल देंगे, 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बशर्त बात यह है कि आज की तारीख में जिस तरह से फील्ड में माहौल गंदा किया जा रहा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो उप प्रमुख रहा है मेरे नाम का रामलाल मीणा, जो बाहरी है बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र का है, भारतीय जनता पार्टी में उप प्रमुख रहा है, वो भाई श्री नंदलाल जी ने उसको उप प्रमुख बनाया था, वहाँ से इनकी अनबन हुई, पता नहीं उन्होंने भगाया ये वहाँ पे भाग का है। फिर करोड़ी लाल जी, जो करोड़ी लाल मीणा है, भाजपा की पार्टी से चुनाव लड़ा है प्रतापगढ़ क्षेत्र में, करोड़ी लाल जी ने करोड़ों रुपए खर्च करे और प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को हराने का काम किया। वो व्यक्ति अभी अभी साल डेढ़ साल से कांग्रेस ज्वाइन करता है, माला पहनता है, उस समय वो कहता है कि मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ और कांग्रेस की सेवा करूँगा। वो व्यक्ति, कुछ एक लोग, संगठन के कुछ एक लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं और कांग्रेस का बिखरने का काम कर रहे हैं और वो कहता है कि मेरे कांग्रेस से टिकट फाइनल। इस तरह से जनता में भ्रम फैला रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो लोग हैं, दल बदलू है, कल परसों कांग्रेस ज्वाइन करी है, ये लोग कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ नंदलाल जी का काम कर रहे हैं और नंदलाल जी ने ये चाल है इनकी सोची समझी, जो कांग्रेस में भी कुछ एक पदाधिकारी जो नंदलाल जी के सेवक है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कांग्रेस में इतने लंबे समय से कांग्रेस का एमएलए नहीं बनने का सीधा सा कारण है, यहाँ के कांग्रेसी नंदलाल जी के सेवक है। यहाँ 65-70 समथिंग एसटी के वोट है, एसटी के लोगों में जो उठता बैठता है, कांग्रेस की जो सेवा करता है, बरसों से पंचायती राज का चुनाव लड़के आता है, ऐसे आदमियों को, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस टिकट नहीं देती है, उसका रिजल्ट सामने है। आज दल बदलू,
ऐसे लोगों को ये कांग्रेस के कुछ एक लोग आगे कर रहे हैं। हम लोग सख्त नाराजगी व्यक्त करते हैं, जितने भी हम उम्मीदवार लोग बैठे हैं ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो फिर हमें रोना ही पड़ेगा। अगर इस तरह से अन्य व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है तो आपकी जो अभी कांग्रेस की हालत है आप सुधारने की बात कर रहे हो, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब जब राजस्थान का दौरा हुआ या अदर स्टेटों में दौरा हुआ वो कह चुके हैं कि पैराशूट को 1% एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमारे प्रदेश के सचिन जी पायलट भी कह चुके हैं इस बात की का कि हम पैराशूट को कभी भी बख्शेंगे नहीं और कोई जगह नहीं है। ये तो यहाँ के लोग जो इनकी चाल है वो इस तरह से माहौल गंदा कर रहे हैं, बाकी ऊपर के नेताओं में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है और किसी भी प्रकार के कोई पैराशूट। मेरा सवाल ये है कि जब आपके यहाँ अन्य किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस में एकजुटता रहेगी? देखो ये तो फैसला हाईकमान को करना है, हम लोग हमारी बात कहते हैं और कहते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस गलती करके ने कांग्रेस पहले किसी को भी टिकट दे तो हम लोग तो कांग्रेस के साथ रहना ही है, वर्षों से रहे हैं। लेकिन वो लोगों की क्या गारंटी जो कल कांग्रेस में आए और उनको टिकट नहीं मिला कल फिर वो बागी होकर चुनाव लड़ जाए तो, या फिर वो फिर अगर चुनाव ऐसे लोगों को हम जिता भी ले तो उनकी कोई गारंटी है क्या वो कांग्रेस में टिके रहेंगे? वो लोग तो कल बिक जाएंगे, पैसे के बलबूते बिक जाएंगे।